जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनसे 30 अंक पीछे हैं। सर्वे में हर 10 भारतीय में 9 ने पीएम मोदी के कामकाज पर भरोसा जताया, जबकि 2015 में ये आंकड़ा 10 में से 7 का था। इस साल हुए सर्वे में हर 10 में 8 लोग देश की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नजर नहीं आए, आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नजर आए, जबकि पार्टी की लोकप्रियता के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर 25 अंकों की बढ़त लिए हुए है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में 2,464 लोगों को शामिल किया गया और ये सर्वे इसी साल 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच किया गया। हिंदू आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल पर कमल हासन ने सफाई की। हिंदू आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल के आरोपों पर घिरे कमल हासन ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के दायरे में मनाही के बावजूद सामान बेचने के आरोपों पर फेरी वालों के खिलाफ बीएमसी ने केस दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चीनी मिल मालिकों से सही दाम न मिलने के आरोप लगाते हुए किसानों ने गन्ने की होली जलाकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में बंदरों के बढ़ रहे आतंक के बाद वन विभाग ने रायगढ़ और कोरिया में बंदरों की नसबंदी करने का फैसला किया। यूपी के गोंडा में डांस कर रही एक लड़की पर नोट उड़ाने का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक आदमी को जबरन हिरासत में रखने और उसकी बीमार बच्ची की घर में इलाज के अभाव में मौत के आरोपों के बाद 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में शराबबंदी के बाद भी पटना में चल रही शराब की 3 भट्टियों को पुलिस ने नष्ट कर दिया। यूपी के आजमगढ़ में बच्चों के आपसी झगड़े के बाद हुई मारपीट में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले आशीष नेहरा ने कोलकाता में भारत श्रीलंका पहले टेस्ट से कमेंट्री की शुरुआत कर दी। खबर है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर लगा बैन बीसीसीआई हटा सकता। बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में हो रही आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में एक और पदक पक्का कर लिया। बांगलोर में भारी तालाब में डॉक्टर कुर्सियों पर बैठे नजर आए। निजी क्लिनिक चलाने वाले ये डॉक्टर इलाज में लापरवाही के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराने वाले कानून में संशोधन के खिलाफ है। यही वजह रही कि बेंगलुरु में 22,000 से ज्यादा डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए। विरोध के तौर पर हाथों में बैनर थामे इन डॉक्टरों ने अपने अस्पताल भी बंद कर दी। केपीएमईए यानी कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट में संशोधन का निजी प्रैक्टिस से जुड़े डॉक्टर विरोध जता रहे हैं। हालांकि अभी निजी अस्पतालों से जुड़े कानून में बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन डॉक्टर डरे हुए। Can you believe that we are investigated by people who are not doctors? We are not allowed to be represented by a lawyer. डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से बेंगलुरु में 6,000 निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक बंद है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बंद नहीं किया गया। कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक इलाज में लापरवाही के लिए अब निजी अस्पतालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए एक शिकायत सेल बनेगी जहाँ मरीज अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन डॉक्टर सरकार के शिकायत सेल वाले प्रावधान से खासे नाराज। वहीं कर्नाटक सरकार ने अपने फैसले को जनहित में बताते हुए डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को डॉक्टरों से बातचीत कर फौरन हड़ताल खत्म करवाने का आदेश दिया। निजी अस्पतालों से जुड़े कानून में जो बदलाव होने जा रहे हैं उनके तहत इलाज में लापरवाही पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रस्ताव। इसके अलावा अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। यूपी के बहराइच के चांदपुरा मंडी में एक पुलिस कांस्टेबल जानवरों के एक बाड़े का ताला तोड़ता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को इलाके में अवैध बूचड़ खाने चलने की शिकायत मिली थी, जिसकी सूचना पर प्रशासनिक अमले ने पुलिस के साथ मिलकर मंडी में दबिश दी और अवैध रूप से चल रहे कई बूचड़ खानों को बंद करा दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई दुकानों से कई कटे हुए पशु भी मिले जिन्हें प्रशासन ने जब्त कर लिया। अवैध पशुओं की कटान हो रही थी, उसकी शिकायतें बार बार मिल रही थी, कार्रवाई की गई है। घंटों चली इस कार्रवाई में प्रशासन ने 100 से ज्यादा जिंदा पशुओं को बरामद करने के साथ कई लोगों को भी गिरफ्तार किया। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया। हमारे सबको पकड़ के घरों में घुस रहे थे, लेने के चले गए हैं। आरोप है कि इलाके में लंबे वक्त से जानवरों को अवैध रूप से काटने की शिकायत प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चीन की एक सड़क पर स्कूल जा रहा एक लड़का अचानक एक कार की चपेट में आ गया। यह हादसा वहां की एक इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अपनी पीठ पर स्कूल बैग लटकाए एक लड़का सड़क पर चलते हुए अचानक नीचे बैठ गया और अपने जूतों की लेस बांधने लगा। इसी बीच पीछे से एक कार आई, लेकिन उसे चला रही महिला सड़क पर बैठे लड़के को देख नहीं पाई और उसने लड़के पर कार चढ़ा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद।